नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। कोविड की संभावित लहर के बच्चों पर प्रभाव एवं मंकी पॉक्स जैसी गंभीर बीमारी से निपटने के लिए 100 बेडेड क्षय रोग सह सामान्य अस्पताल में मॉक ड्रिल का किया गया सफल आयोजन। कहा, आपातकाल की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है अस्पताल की पूरी टीम। यूपी के टॉप 61 माफियाओं के लिस्ट में शामिल माफिया राजन तिवारी की नामी बेनामी संपत्ति खंगाल रही है गोरखपुर पुलिस। ऑपरेशन सिकंजा के तहत राजन तिवारी और उसके करीबियों और जमानतदारों पर अभी और पुलिस का कसेगा सिकंजा। वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए जनपद में चलाया गया अभियान। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम फाइनेंस ने कहा, मतदाता स्वयं अपने मतदाता रिकॉर्ड में अपना आधार नंबर डालकर मतदाता सूची व मतदाता कार्ड कर ले अपडेट। हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के मेधावी छात्र व छात्राओं का प्रजापति स्वाभिमान एसोसिएशन के द्वारा सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। 150 प्रजापति समाज के छात्र व छात्राओं को प्रशस्ति पत्र व मेडल देकर किया गया सम्मानित। सौ बेडेड क्षय रोग सह सामान्य चिकित्सालय के अंतर्गत कार्य करने वाले संविदा कर्मियों को 14 जुलाई को किया गया कार्यमुक्त। स्टाफ नर्स एवं कर्मियों ने टीबी अस्पताल पर किया धरना प्रदर्शन, फिर से कार्य पर रखने की मांग। पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर्स समिति के द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। सेवानिवृत्त कर्मचारी जटाशंकर मिश्रा को अंगवस्त्र व गीता देकर किया गया सम्मानित। और 25 अगस्त को महानगर में गोरखनाथ स्थित झूलेलाल मंदिर से निकलेगा भगवान झूलेलाल का 71वां शोभा यात्रा। 1000 से ज्यादा लोग होंगे शामिल, झूलेलाल मंदिर के पुजारी ने दी जानकारी। अब खबरें विस्तार से। रविवार को एयरपोर्ट स्थित कोविड की संभावित लहर के बच्चों पर प्रभाव को देखते हुए टीबी अस्पताल के 100 बेडेड क्षय रोग सह सामान्य अस्पताल में टीबी एवं सामान्य बाल रोग विभाग में 20 बेड वेंटिलेटर युक्त आईसीयू वार्ड तथा 20 बेड का जनरल वार्ड स्थापित किया गया है। इसी को परखने एवं मंकी पॉक्स जैसी गंभीर बीमारी से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि मॉक ड्रिल के दौरान कोविड से प्रभावित मरीज को एम्बुलेंस से लाया गया। उसे तत्काल पीपीई किट पहने चिकित्सक ने मरीज की थर्मल स्क्रीनिंग कर ऑक्सीजन लेवल चेक किया। मरीज को गंभीर पाए जाने पर वेंटिलेटर पर लेटाकर उसे ऑक्सीजन मास्क लगाया और सिलेंडर के द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति शुरू की गई, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि कोविड की तैयारी को लेकर समय समय पर मॉक ड्रिल कराया जाता है। किसी प्रकार का आपदा आने पर कोई कमी ना रह जाए, जिससे मरीज को परेशानी ना होने पाए और अस्पताल की पूरी टीम आपातकाल की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने बताया कि इस मॉक ड्रिल के दौरान समय समय पर गुणवत्ता परखा जाता है, साथ में जो उपकरण लगे होते हैं ऑक्सीजन प्लांट वेंटिलेटर और जो भी लॉजिस्टिक्स है उसकी गुणवत्ता और उपलब्धता को चेक किया जाता है तथा कर्मचारियों को क्रियाशीलता को देखा जाता है। वही ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर बीएम राव ने बताया कि सरकार द्वारा समय समय पर मॉक ड्रिल किया जाता है। इसका उद्देश्य है कि सरकार द्वारा जो भी अस्पताल को सुविधाएं दी हैं आपातकाल में अच्छी तरह से निपटा जाए। मॉक ड्रिल होने से डॉक्टर नर्स और कर्मचारियों का रिहर्सल हो जाता है ताकि किसी आपातकाल में वह अपनी तैयारी में रहें। मॉक ड्रिल के दौरान सीएमएस डॉक्टर ए के वर्मा, डॉक्टर आशुतोष राय, डॉक्टर राकेश पांडे, डॉक्टर एन के द्विवेदी, डॉक्टर शिखा सिंह, एचआर त्रिपाठी, शैलेश गुप्ता सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे एवं ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर बी एम राव ने कहा, क्लिनिक एजेंसी तुम्हारी काम कर रही है। अच्छा, क्लिनिक काम कर रही है, ये वाले कौन से? ये और
नहीं ज्यादा था कि ही लोग ऐसा नहीं होता। आप किनारे हो जाइए, पीपी किट नहीं पहने हैं, किनारे हो जाइए। नाम बताओ। कोई परेशानी हो रही है? रेडियोलॉजिस्ट और सोनोलॉजिस्ट, जितने रेडियोलॉजिस्ट होंगे उतने ही सोनोलॉजिस्ट होंगे। तो हमारे यहाँ अंडर सीएमओ जो है जिला अस्पताल में नाम लेने के कारण जो है जिला अस्पताल में हमने लगा रखा है। और एक एडिशनल
देखिए मॉक ड्रिल का मतलब ये होता है कि अपनी कमियों को उजागर करना और आत्म अवलोकन करना कि अगर हमसे सुधार में कोई कमी रह गई है तो हम उसका आत्म अवलोकन करें, उसका पुनरीक्षण करें और उस कमी को हम आपदा की स्थिति में दूर कर सकें। सरकार इसी उद्देश्य के साथ मॉक ड्रिल कराती है और जो हम अपने सभी चिकित्सा कर्मियों को जो ट्रेनिंग दिए हैं उनकी गुणवत्ता को परखा जाता है। इसीलिए आप देखने देखा होगा कि हमने एक जो है डमी मरीज़ बनाया गया, उसको एम्बुलेंस से लाया गया, उसको देखा गया तो कितनी देर में वो यहाँ से वहाँ आया। तो इसमें हम लोग जो है समय समय पर गुणवत्ता परखते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि 1:36 में हमारा मरीज जो है वार्ड में आ गया है और उसे जो है उपचार शुरू कर दिया गया। साथ में जो हमारे उपकरण लगे होते हैं, ऑक्सीजन प्लांट हैं, वेंटिलेटर्स हैं, जो भी लॉजिस्टिक्स हैं उनकी गुणवत्ता परखी जाती है, उनकी उपलब्धता को चेक किया जाता है, कर्मचारियों की क्रियाशीलता को देखा जाता है। इसीलिए हम लोगों ने इसको किया है और उसको किया। और साथ ही साथ एक चीज़ और है कि अब की बताया गया है कि मंकी पॉक्स की जो संभावना प्रबल की जा रही है, भारत में भी जो है 2-3 केस मंकी पॉक्स के निकल चुके हैं, तो इसके लिए एक मंकी पॉक्स वार्ड का भी यहाँ पर सृजन किया गया है जिसमें 5 बेड नीचे हैं, उसको हम लोगों ने भी बनाया है। तो यही चेक करने के लिए हम लोग जो है इसको करते हैं और संभवतः जो है अभी हमारे मंडल के जो प्रभारी हैं और एडी साहब जो हैं इसका निरीक्षण कर रहे हैं और जो जो कमियां हम लोगों को बताएंगे उसको हम लोग भविष्य में खामियों को दूर करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आकस्मिकता की स्थिति में जब कभी ऐसी कोई बीमारी आती है तो हम उसको मरीजों को उसका सामना न करना पड़े, हम लोग जो है अच्छी तरीके से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सकें। इसी उद्देश्य के साथ हम लोगों ने इस मॉक ड्रिल को संपादित किया है। हाँ वो तो टीम है ही, 8 आवरली पूरी टीम होती है, तो पूरा इसमें प्रोसेस होता है कि हमारी जो है 8-8 घंटे पे जो टीम काम करेगी उनके रहने की व्यवस्था क्या होगी, उनके खाने की व्यवस्था क्या होगी, जो हमारी औषधियाँ लगती हैं उन औषधियों की गुणवत्ता चेक की जाती है, उसमें कोई नियर एक्सपायरी की तो नहीं है, जो भी लॉजिस्टिक्स लगते हैं, डिस्पोजेबल्स लगते हैं उनको स्टॉक वेरीफाई किया जाता है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पीपी किट, N95 मास्क, हमारे पास ग्लव्स, शू कवर, हेड कवर और इसके साथ साथ जो हमारे वेंटिलेटर्स जितने हैं, जितने हमारी HFNCs हैं, जितने हमारी बाईपैप और सीपैप हैं, उन सब की क्रियाशीलता चेक की जाती है और औषधियाँ देखी जाती हैं, बायोमेडिकल वेस्ट पर विशेष ध्यान दिया जाता है। साथ ही साथ जो हमारा ऑक्सीजन प्लांट लगा होता है उसकी क्रियाशीलता और गुणवत्ता को देखा जाता है और जो हमारे यहाँ ऑक्सीजन पाइपलाइन आई है तो उसको चेक करते हैं कि उसमें कहीं कोई बाधा या अवरोध तो नहीं है, और साथ ही साथ जो कर्मचारी काम करते हैं उनकी स्किल को जांचा परखा जाता है, इसीलिए हम लोग इसको करते हैं। डॉक्टर B.M. राव, मैं जॉइंट डायरेक्टर हूँ यहाँ पे जो है। ये मॉक ड्रिल जो है समय समय पे जो है सरकार द्वारा मॉक ड्रिल चलाया जाता है, इसका मेन मकसद यही है कि हम जो सरकार ने जो भी सुविधाएं दे रखी हैं, जो भी कभी ऐसी स्थिति आई, भगवान ना करे ऐसी स्थिति आए, तो उस स्थिति से निपटने के लिए हमारे पास जो भी उन्होंने जो है सामान दिए हैं, वेंटिलेटर दिए हैं, ऑक्सीजन प्लांट दिए हुए हैं और जो भी दवाएं दी हैं, इनकी क्रियाशीलता बनी रहे, इसी लिए जो है समय समय पर मॉक ड्रिल कराई जाती है। हमारे जितने स्टाफ हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जितने भी हैं, वो भी जो है समय समय पर मॉक ड्रिल होने से वो थोड़ा सा जो है इसमें उनका एक तरह सा रिहर्सल हो जाता है और वो इसके लिए कभी अगर जो ऐसी स्थिति आई तो वो इसके लिए तैयार हैं। हाँ, सबकी टीमें, सारी टीमें बनाई जाती हैं, सभी जो है सबको टीम बनाई जाती है, उसमें डॉक्टर से लेकर पैरामेडिकल और स्टाफ नर्स सभी को जो है ड्यूटी लगाई जाती है और ये राउंड द जो है पूरी ड्यूटी इस लगाई जाती है 24 घंटे की कि जब कभी ऐसी स्थिति आए तो उसके लिए लोग तैयार हैं। कभी माफिया डॉन श्रीप्रकाश शुक्ला का राइट हैंड रहे और 2 बार के पूर्व विधायक एवं यूपी के टॉप 61 माफियाओं की लिस्ट में शामिल बाहुबली माफिया राजन तिवारी काफी समय से अंडरग्राउंड था और उसके खिलाफ 17 साल पुराने 2005 के एक आपराधिक मामले में गोरखपुर कोर्ट ने वारंट जारी कर रखा था, जिसको पुलिस ने बिहार से नेपाल भागते समय गोरखपुर पुलिस और SOG टीम ने बिहार पुलिस की मदद से रक्सौल के हरैया इलाके से गिरफ्तार किया है। यूपी पुलिस ने राजन तिवारी पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। कुख्यात डॉन श्रीप्रकाश शुक्ला का साथी एवं बिहार के गोविंदगंज के पूर्व विधायक माफिया राजन तिवारी पर अभी और सिकंजा कसेगा। ADG जोन अखिल कुमार के द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन सिकंजा के तहत गोरखपुर पुलिस राजन पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में लगी हुई है।
राजन की संपत्तियों की भी जांच शुरू कर दी गई है। इसके लिए राजस्व विभाग से भी राजन की बेनामी संपत्तियों की रिपोर्ट मांगी गई है। पुलिस को सूचना मिली है कि राजन तिवारी ने बिहार के अलावा गोरखपुर में काफी अधिक रुपए इन्वेस्ट किए हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि राजन की गोरखपुर में कोई भी संपत्ति अपने नाम नहीं है, बल्कि राजन ने शहर के कई कॉन्वेंट स्कूलों और प्रॉपर्टी में अपने रुपए अपरोक्ष तौर पर लगाए हैं। ऐसे में अब पुलिस उससे जुड़ी सभी घोषित और अघोषित संपत्तियों का ब्यौरा जुटा रही है ताकि उस पर कार्रवाई की जा सके। दरअसल राजन तिवारी का नाम यूपी के टॉप 61 माफियाओं के लिस्ट में शामिल है। बावजूद इसके पुलिस उसे लेकर अब तक पूरी तरह से लापरवाह बनी रही। पुलिस की लापरवाही और मिलीभगत का खेल सामने आने के बाद अब इस मामले की मॉनिटरिंग सीधा मुख्यमंत्री कार्यालय से हो रही है। ऐसे में पुलिस खुद को सेव करने के लिए अब माफिया पर शिकंजा कसती जा रही है। यही वजह है कि राजन के गोरखपुर जेल जाने के 24 घंटे के बाद ही अचानक शुक्रवार की देर रात उसका जेल ट्रांसफर कर दिया गया। राजन को शनिवार की भोर में गोरखपुर से फतेहगढ़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया। अब पुलिस राजन तिवारी के करीबियों और उसके जमानतदारों की भी लिस्ट तैयार कर रही है ताकि उन पर भी शिकंजा कसा जा सके। पुलिस राजन के अन्य मामलों के जमानतदारों पर सख्ती कर उसकी बाकी मामलों में भी जमानत खारिज करवाने की तैयारी में है। राजन के खिलाफ पुलिस की सख्ती का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पुलिस अब राजन तिवारी का सिर्फ घमंड ही नहीं बल्कि उसकी दहशत भी खत्म कर रही है। अब तक राजन तिवारी 50 से अधिक गाड़ियों के काफिला में वॉकी टॉकी और असलहों से लैस प्राइवेट कमांडो के साथ चलते देखा जाता था, लेकिन गुरुवार को रक्सौल से गिरफ्तार कर गोरखपुर लाए जाने के दौरान ही उसके दहशत को खत्म करने के लिए गोरखपुर पहुंचते ही पुलिस ने राजन को यूनिवर्सिटी के पास ही गाड़ी से उतार दिया। इसके बाद यहां से पैदल उसे एक सामान्य मुस्लिमों की तरह कैंट थाने लाया गया। कैंट में लिखा पढ़ी की प्रक्रिया पूरी करने के बाद पुलिस ने पैदल ही कोर्ट में ले जाकर पेशी की। इस दौरान एक सामान्य मुस्लिमों की तरह राजन के हाथ का पंजा अपने हाथों में दबोचे हुए थे। जिस वक्त गोरखपुर यूनिवर्सिटी से कचहरी तक यह सब कुछ हुआ, उस वक्त इस रास्ते से गुजरने वाले लोग सिर्फ तमाशा देखते रहे। खासकर कचहरी के आसपास रहने वाले लोगों ने राजन तिवारी की वीआईपी पेशी और कोर्ट में हाजिरी का भौकाल भी देख चुके हैं, लेकिन इस बार उन्हें कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। करीब 2 किलोमीटर राजन को पैदल चलाकर पुलिस ने सिर्फ राजन को उसकी औकात ही नहीं बताई बल्कि आम जनमानस में भी उसके खौफ को खत्म करने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आपको बता दें कि राजन तिवारी मूल रूप से गोरखपुर के गगहा थाना क्षेत्र के सोहगौरा गाँव निवासी की प्रारंभिक शिक्षा गोरखपुर में हुई। युवा अवस्था में राजन तिवारी ने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। 90 के दशक के माफिया डॉन श्रीप्रकाश शुक्ला का सहयोगी राजन तिवारी पर यूपी और बिहार में 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। राजन तिवारी का नाम सबसे ज्यादा पहली बार तब चर्चा में आया जब उसे यूपी के महाराजगंज की लक्ष्मीपुर विधानसभा सीट से विधायक रहे वीरेंद्र प्रताप शाही पर हमले में माफिया डॉन श्रीप्रकाश शुक्ला के साथ आरोपी बनाया गया था। इसी घटना के बाद राजन तिवारी यूपी पुलिस के लिए वांटेड बन गया। उत्तर प्रदेश में दर्ज आपराधिक मामलों में कानूनी कार्रवाई और गैंगवार से बचने के लिए राजन ने बिहार पूर्वी चंपारण को अपना ठिकाना बनाया था। हालांकि साल 2014 में उसे शाही केस से बरी कर दिया गया था। बिहार पहुंचने के बाद राजन तिवारी का नाम बिहार सरकार के मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या में आया। इस हत्याकांड में राजन तिवारी की निचली अदालत से उम्र कैद की सजा भी हुई, लेकिन सबूतों के अभाव में साल 2014 में पटना हाईकोर्ट से उसे बरी कर दिया गया। वहीं राजन तिवारी बहुचर्चित मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक अजीत सरकार की हत्याकांड में भी आरोपी बना। कई सालों बाद पटना हाईकोर्ट ने राजन तिवारी को बरी कर दिया था। इसी केस में पप्पू यादव भी आरोपी थे और सालों तक सजा काटी थी। 15 साल 4 महीने सलाखों के पीछे रहने वाले राजन तिवारी का रसूख कम नहीं हुआ और बिहार में पूर्वी चंपारण के गोविंदगंज सीट से वह चुनाव जीतकर 2 बार बिहार विधानसभा में पहुंचा। जेल जाने से पहले राजन तिवारी ने अपने ऊपर लगे दाग को छुपाने के लिए खादी पहन ली।
वह राजनीति में सक्रिय हो गया था। यही वजह है कि जेल जाने से पहले और रिहा होने के बाद भी राजनीति में सक्रिय रहा। इसके अलावा साल 2004 में वह लोकसभा जाने के लिए भी भाग्य अजमा चुका है। बिहार में राजनीतिक जमीन तैयार करने वाले राजन तिवारी ने 2016 में बीएसपी ज्वाइन की, फिर 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले लखनऊ में भाजपा की सदस्यता ली थी। हालांकि इस पर विवाद होने के बाद पार्टी ने राजन को भारतीय जनता पार्टी से साइडलाइन कर दिया था। जनपद में वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए अभियान चलाया गया, जिसके संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 1 अगस्त से वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने का कार्य चल रहा है। रविवार को बीएलओ बूथ और फील्ड में लोगों से मिलकर आधार कार्ड एकत्र करके गरुड़ ऐप के माध्यम से अपडेट कर रहे हैं। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें और ऑप्शन के अनुसार फॉर्म 6B को क्लिक करके स्वयं अपने मतदाता रिकॉर्ड में अपना आधार नंबर डाल दें, उसे अपडेट कर लें। यह आधार नंबर भारत निर्वाचन आयोग के वेबसाइट पर पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, कुमार सिंह डिप्टी डीओ गोरखपुर हूं और भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 1 अगस्त से आधार नंबर एकत्रीकरण का कार्य चल रहा है और आज उसके लिए विशेष तिथि है, अर्थात आज रविवार का दिन है। हमारे बीएलओ बूथ पर भी हैं, फील्ड में भी हैं, लोगों से आधार नंबर एकत्र कर रहे हैं और इस आधार को गरुड़ ऐप के माध्यम से या हमारे वीआरसी के माध्यम से इसको अपडेट करा रहे हैं। मेरा आप लोगों से अनुरोध है, आप प्ले स्टोर में जाएं, वहाँ वोटर हेल्पलाइन ऐप एक एप्लीकेशन है, भारत निर्वाचन आयोग की एप्लीकेशन है, इसको अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर लें और उसमें क्रम से आगे बढ़कर फॉर्म 6B को क्लिक करके और स्वयं ही अपने मतदाता रिकॉर्ड में अपना आधार नंबर डाल दें। ये जो आधार नंबर भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जा रहा है, ये पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद। सर, जागरूकता की कमी में उसके लिए क्या? लगातार समाचार पत्रों में प्रचार प्रसार किया जा रहा है, मेरे द्वारा ढेर सारे व्हाट्सएप ग्रुपों में इसको डाला गया। अब आम लोग इसको जान तो रहे हैं, परंतु जैसे समय लगता है थोड़ा सा, लोग अपने आधार दे रहे हैं और इस कार्य को जल्दी ही गति प्रदान किया जा रहा है। प्रजापति स्वाभिमान एसोसिएशन के द्वारा एक निजी लॉन में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के मेधावी छात्र व छात्राओं के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान 150 मेधावी छात्र व छात्राओं को प्रशस्ति पत्र व मेडल से सम्मानित किया गया, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश के पूर्व परिवहन आयुक्त चुन्नीलाल प्रजापति ने बताया कि प्रजापति समाज के मेधावी बच्चों को सम्मानित किया गया है, जिससे समाज के बच्चों को उत्साहवर्धन हो सके और वह प्रेरित होकर आगे और अच्छे से पढ़ाई कर सके और आगे अपना रास्ता प्रशस्त करते हुए एक अच्छे मुकाम पर पहुंच सके। इस अवसर पर प्रजापति स्वाभिमान एसोसिएशन के संयोजक ओम प्रकाश प्रजापति, दुर्गा प्रसाद प्रजापति, चंद्रभान प्रजापति, विनय कुमार प्रजापति सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व परिवहन आयुक्त चुन्नीलाल प्रजापति ने कहा, और जनसेवा की भावना ने समय समय पर समाज के लोगों को सहयोग के लिए हमेशा तात्पर रहने वाले लोग ही सम्मान के अधिकार होते हैं। जो जीवन भर अंधियारों जानता है, वर्तमान को सवार कर भविष्य का सुनहला सपना देखता है। आपने परिचय दिया है और आज के घड़ी में पुनः मेरा नाम चुन्नीलाल प्रजापति है, मैं रिटायर्ड डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हूँ और वर्तमान में राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी का मेंबर प्रेसिडियम है। आज प्रजापति समाज के मेधावी बच्चों को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। निश्चित रूप से इस तरह के
कार्यक्रम इसलिए आयोजित किए जाते हैं ताकि हम अपने समाज के बच्चों को प्रोत्साहित कर सकें, उनका उत्साह वर्धन कर सकें, उनको प्रेरित कर सकें कि वो मीटिंगों में उपस्थित होने वाले जो समाज की मेधाएं हैं, समाज के प्रतिष्ठित जन हैं और समाज की जो अच्छी उपलब्धियां हैं उनको देख करके वो प्रेरित हों और आगे अपना रास्ता इस तरह का प्रशस्त करें कि उनका अनुकरण करते हुए समाज में एक अच्छा मुकाम हासिल करें। कुल कितने बच्चों को सम्मानित किया? मेरे समझ से मेरे पास गिनती तो नहीं है लेकिन कम से कम 100 विद्यार्थियों को सम्मानित किया जा रहा है, 150 को सम्मानित किया जा रहा है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। कोविड की संभावित लहर के बच्चों पर प्रभाव एवं मंकी पॉक्स जैसी गंभीर बीमारी से निपटने के लिए 100 बेडेड क्षय रोग सह सामान्य अस्पताल में मॉक ड्रिल का किया गया सफल आयोजन। कहा, आपातकाल की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है अस्पताल की पूरी टीम। यूपी के टॉप 61 माफियाओं के लिस्ट में शामिल माफिया राजन तिवारी की नामी बेनामी संपत्ति खंगाल रही है गोरखपुर पुलिस। ऑपरेशन सिकंजा के तहत राजन तिवारी और उसके करीबियों और जमानतदारों पर अभी और पुलिस का कसेगा सिकंजा। वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए जनपद में चलाया गया अभियान। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम फाइनेंस ने कहा, मतदाता स्वयं अपने मतदाता रिकॉर्ड में अपना आधार नंबर डालकर मतदाता सूची व मतदाता कार्ड कर ले अपडेट। हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के मेधावी छात्र व छात्राओं का प्रजापति स्वाभिमान एसोसिएशन के द्वारा सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। 150 प्रजापति समाज के छात्र व छात्राओं को प्रशस्ति पत्र व मेडल देकर किया गया सम्मानित। सौ बेडेड क्षय रोग सह सामान्य चिकित्सालय के अंतर्गत कार्य करने वाले संविदा कर्मियों को 14 जुलाई को किया गया कार्य मुक्त। स्टाफ नर्स एवं कर्मियों ने टीबी अस्पताल पर किया धरना प्रदर्शन, फिर से कार्य पर रखने की मांग। पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर्स समिति के द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। सेवानिवृत्त कर्मचारी जटा शंकर मिश्रा को अंगवस्त्र व गीता देकर किया गया सम्मानित। और 25 अगस्त को महानगर में गोरखनाथ स्थित झूलेलाल मंदिर से निकलेगा भगवान झूलेलाल का 71वां शोभा यात्रा। 1000 से ज्यादा लोग होंगे शामिल, झूलेलाल मंदिर के पुजारी ने दी जानकारी। पेगस निशान गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निसान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई।
रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाए, दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 100 बेडेड क्षय रोग सह सामान्य चिकित्सालय के अंतर्गत कार्य करने वाले संविदा कर्मियों को 14 जुलाई को कार्यमुक्त कर दिया गया, जिसको लेकर स्टाफ नर्स एवं कर्मियों ने टीवी अस्पताल पर धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि चिंटी इंटरप्राइजेस के द्वारा 15 जुलाई 2021 को कर्मचारियों की संविदा के आधार पर नियुक्ति की गई थी, जिसकी अवधि 13 जुलाई 2022 तक ही थी, जिसके बाद संविदा कर्मचारियों को निकाल दिया गया, जिसके विरोध में संविदा कर्मचारियों ने मांग किया कि हम लोगों को फिर से कार्य पर रखा जाए, क्योंकि हम लोगों ने कोविड में मरीजों की सेवा की थी। वहीं सीएमओ का कहना है कि शासन से निर्देश प्राप्त होने के बाद ही दोबारा ड्यूटी पर रखा जाएगा, जबकि गोरखपुर न्यूज को मिले पेपर के अनुसार 13 जुलाई 2022 को सभी कर्मचारियों का सेवा समाप्त होने की संविदा ही है, जिसके आलोक में सभी संविदा कर्मियों को कार्यमुक्त कर दिया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संविदा कर्मचारी सत्यम चौहान एवं स्टाफ नर्स प्रियंका सिंह ने कहा, एकता जिंदाबाद, 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 पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। जिला अस्पताल में तो कर्मचारी पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं सर, हम ही लोग के साथ ऐसा होता है। वेतन कहाँ से सर, आखिर में वो भी लोग तो दे रहे हैं सर, कोई नहीं पा रहा है वेतन, वेतन नहीं मिल रहा है, वेतन कहाँ से, वेतन कहाँ से सर, 3 महीने का भी सब लोग का बाकी है, वो तो 3 महीने का मिलेगा, लेकिन ये जो इधर होगा जब तक एजेंसी चेंज नहीं होगा तब तक नहीं हो पाएगा बेटा। एजेंसी का चेंज जो है बात हो रही है, दिल्ली साहब से बात भी हुई है, मेरे ख्याल से एक आधा हफ्ते अंदर परेशान है आप, हम मना तो कर नहीं सकते हैं, सर यहाँ से कुछ नहीं होगा सर, तो आपके द्वार पे आएंगे, यहाँ से नहीं होगा तो आपके द्वार पे आएंगे, हमारे पास हम तो एजेंसी को रखते हैं, एजेंसी का चयन जैसे शासन से हो जाएगा सर, जेम पोर्टल में सर ये सर जेम पोर्टल से अब सरकार ने रोक लगा दिया कि हमने नहीं करना, वो लोग वहीं डॉक्टरों से करेंगे, हम जबरदस्ती थोड़े करेंगे। सत्यम चौहान, हम लोग के धरना प्रदर्शन कर्मचारी जो हमारे यहाँ बैठे हुए हैं सबको निकाल दिया गया है, मशीन में सब ने काम लेने से मना कर दिया और ये बोल दिया है कि आप हमारे कर्मचारी नहीं हैं और आप जो को करना है वो करते रहिए। और हम लोग 2016 से हम लोग की ज्वाइनिंग है इसी चिकित्सालय में, जिसका नाम सौ सही क्षय रोग सह सामान्य चिकित्सालय टीबी हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये अभी भी कोविड चिकित्सालय डेडिकेटेड है अभी भी, और कोरोना काल में भी ये सारे कर्मचारी जो 45 कर्मचारी है आउटसोर्स से हम लोग नियुक्ति हुई है, और 2016 से हम लोग की नियुक्ति अवनी परिधि के द्वारा हुई थी और जेम पोर्टल के द्वारा भी हम लोग की नियुक्ति होगी, जो शासन का एक ई मार्केटिंग जेम प्लस है उसी उसके द्वारा। हमारी मांग यही है कि हम लोग का 3 महीने का बकाया वेतन है जो जनवरी फरवरी मार्च 2022 का है, और काम से लगातार लिया जाए और हमारी ज्वाइनिंग फिर से कराई जाए। प्रियंका सिंह नाम है, यहाँ हम लोगों को निकाल दिया गया है इस हॉस्पिटल से, हमारे अधिकारी बोल रहे हैं कि आप हमारे कर्मचारी नहीं हैं, पिछले 16 की हम लोगों की ज्वाइनिंग है यहाँ पे, और हम लोगों को कोविड में फिर से ज्वाइन किया गया, बताया गया कि आप लोग जेम पोर्टल से जोड़ दिए गए हैं पिछली साल,
उसके बाद यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि अब आप लोग काम नहीं करेंगे जब तक हम शासन से हम लोगों का रिन्यूअल नहीं आया है। बाकी जगह पे सारे लोग काम कर रहे हैं, इसी चिंटी कंपनी से सारे लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों को हर बार यही किया जाता है कि आप लोगों का नहीं हुआ, 20 दिन की सैलरी, 10 दिन की सैलरी इसी तरह करके रोक दी जाती है बीच में। अब बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? आउटसोर्सिंग पे हैं। हाँ, आउटसोर्सिंग से हैं। क्या नाम है कंपनी का? चिंटी कंपनी है, चिंटी इंटरप्राइज। क्या चाहती हैं? हमारा कार्य फिर से शुरू किया जाए, यही चाहेंगे। ऑफिसली हम काम कर रहे थे, चूँकि खुलवाया हुआ है हम लोगों का, हम लोग धरने पे दिए। हमारे कर्मचारी ने एक सुसाइड भी कर लिया इसी के चक्कर में, अब फिर सुसाइड कर ले हम लोग। जो 7 साल नौकरी कर लेगा, 6 साल नौकरी कर लेगा, उसको निकाल दिया जाएगा, वो क्या करेगा? सुसाइड ही ना करेगा। सरकार सोई है, योगी जी आते हैं सोते हैं, क्या देखते हैं? उनको नहीं बता सकते आप लोग? बताइए, बोल रहे हैं हमारा नाम लीजिए, बताइए, जिससे मर्जी आए उससे बताइए। कोविड में हमारा छोटा सा बच्चा था, हम दूध नहीं पिलाए उसको, भेज दिए अपने घर पे। अब कह रहे हैं अधिकारी कि हम आपको जानते नहीं हैं। कोविड में वो जानते थे, यहाँ जितने लोग सरकारी परमानेंट कर्मचारी हैं, कह दे कि हमको नहीं जानते हैं, हम बुला दें उन मरीजों को कि जो हमको जानते हैं, जिसका इलाज हम लोग किए हैं। यहाँ पे खेल खेला जा रहा है, यहाँ के अधिकारी सोए हुए रहते हैं, किसी को जानकारी नहीं रहती है। कर्मचारी कैसे 20,000 सैलरी उन लोगों को गढ़ती रहती है, 20,000 मिलती थी वो भी हटा दिया गया, जेम पोर्टल से जोड़ दिया गया है, पीएफ कट रहा है, उस कुछ भी पूछने जाओ यहाँ के अधिकारी और बाबू बोलते हैं कुछ नहीं पता है हम लोगों को। अरे किस लिए आप बैठे हैं कुर्सी पर जब आपको कुछ पता ही नहीं है? तो पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर समिति के द्वारा मंडल सचिव योगेंद्र प्रसाद मिश्रा की अध्यक्षता में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्वोत्तर रेलवे के सेवानिवृत्त कर्मचारी जटाशंकर मिश्रा को अंगवस्त्र व गीता भेंट कर सम्मानित किया गया, जिसके संबंध में अनिल कुमार पांडे ने बताया कि पूर्वोत्तर रेलवे के सेवानिवृत्त वृद्ध व्यक्तियों का सम्मान किया गया है, जिससे समाज में एक अच्छा संदेश जाए, लोग बुजुर्ग व्यक्तियों का सम्मान करें और समाज का उत्थान हो। इस अवसर पर भरत प्रकाश चंद, एसके पांडे, अवधेश पांडे, गिरीश चंद गुप्त सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अनिल कुमार पांडे ने कहा, अनिल कुमार पांडे। ये हम लोग पेंशनर्स जो रिटायर लोग हैं, ये हमारे गुरु हैं, और इनके 6 साल पंचायत कब रिटायर हुए गुरु जी? इस सम्मान में बुजुर्ग सम्मान है, जो पेंशनर्स हैं उनका इस सम्मान किया जा रहा है, सबसे बुजुर्ग ये हैं, जिससे समाज में इसका अच्छा हो जाए, संदेश जाए कि बुजुर्गों का सम्मान हो, समाज का उत्थान हो, इसलिए हम लोग सम्मान समारोह रखेंगे। गोरखनाथ स्थित झूलेलाल मंदिर से 25 अगस्त को भगवान झूलेलाल की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसके संबंध में झूलेलाल मंदिर के पुजारी सुखदेव गिलानी ने बताया कि 25 अगस्त को भगवान झूलेलाल की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो कि 71वां शोभा यात्रा है। कोरोना की वजह से शोभा यात्रा 2 साल बंद थी। इस शोभा यात्रा में हर धर्म के लोग शामिल होंगे। झूलेलाल मंदिर में 40 दिन अखंड दीप जलती है। 40वें दिन शोभा यात्रा निकालकर नदी में विसर्जित किया जाएगा, जिसमें 1000 से ज़्यादा महिलाएँ व पुरुष शामिल होंगे, जो कि गोरखनाथ, हुमायूँपुर, जटाशंकर पोखरा, अलीनगर,
बैंक रोड से गोलघर होते हुए राजघाट पहुंचकर नदी में विसर्जित की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए झूलेलाल मंदिर के पुजारी सुखदेव गिलानी ने कहा, शाम को ये गाड़ी आ रही है, भव आरती होती है ना देवी, राजा शोभा यात्रा की फुल तैयारियां चल रही, इस समय जुलूस रहेगा, झूलेलाल की मूर्ति रहेगी, झांकियां रहेंगी, पूरा गोरखपुर सिंधी समाज उस जुलूस में शामिल होता है, यहाँ से लेके राजघाट तक लगभग कितने लोग शामिल होने के आ? पूरा गोरखपुर समाज लगभग 2,000-2,500 आदमी रहते हैं। मेरा नाम सुखदेव गिलानी। क्या आप मंदिर के हम पुजारी? 25 अगस्त को यहाँ से झूलेलाल का शोभा यात्रा निकलना है, कितने सालों से निकलता आ रहा है? ये हम लोग को जुलूस को हो गया 70-71 साल हो गया जुलूस मनाते हुए, तब से हम लोग जब बचपन से ही पैदा हुए हैं तब से देख रहे हैं जुलूस, उसके बाद हम लोग भी 71 साल के हो गए। कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं? हर धर्म के लोग शामिल होते हैं हमारे यहाँ से। इस मंदिर में सवेरे हवन 40 दिन, आज आज क्या तारीख हो गई, 40 दिन यहाँ पूजा अखंड जोत जल रही है, ये लगातार आज 34 दिन हो गए, 35 दिन, ये 40वें दिन इनका विधि विधान से पूजा हवन वगन हो जाएगा। उसके बाद घर से जितनी औरतें हैं सब लेडीज लोग अपना अपना थाल सजा के ले आती हैं, मंदिर में पूजा अर्चना करती हैं, बस झांकियाँ निकलती हैं हम लोग की, देश के प्रति जो आजकल घटनाक्रम हो रहे हैं उसी पे झांकियाँ निकलती हैं। 2 साल कोरोना काल चला था इसलिए जुलूस में कोई जुलूस निकला नहीं था, सादगी से हम लोग मनाए थे। कितने बजे निकलेगा ये जुलूस? दोपहर में करीब करीब सवेरे पूजा हो जाए 2-3 बजे निकलता है जुलूस। कितने लोग शामिल होंगे? कोई अंदाज नहीं रहता, लाखों हजारों आदमी आते हैं यहाँ से गोरखनाथ होके हिमाऊपुर से जटाशंकर पोखरे से होके अलीनगर, अलीनगर से बैंक रोड, बैंक रोड से गोलघर होते हुए राजघाट विसर्जन होता है। आज के लिए बस इतना ही, जाने से पहले एक नजर हेडलाइन पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। कोविड की संभावित लहर के बच्चों पर प्रभाव एवं मंकी पॉक्स जैसी गंभीर बीमारी से निपटने के लिए 100 बेडेड क्षय रोग सह सामान्य अस्पताल में मॉक ड्रिल का किया गया सफल आयोजन। कहा, आपातकाल की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है अस्पताल की पूरी टीम। यूपी के टॉप 61 माफियाओं के लिस्ट में शामिल माफिया राजन तिवारी की नामी बेनामी संपत्ति खंगाल रही है गोरखपुर पुलिस। ऑपरेशन सिकंजा के तहत राजन तिवारी और उसके करीबियों और जमानतदारों पर अभी और पुलिस का कसेगा सिकंजा। वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए जनपद में चलाया गया अभियान। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम फाइनेंस ने कहा, मतदाता स्वयं अपने मतदाता रिकॉर्ड में अपना आधार नंबर डालकर मतदाता सूची व मतदाता कार्ड कर ले अपडेट। हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के मेधावी छात्रों व छात्राओं का प्रजापति स्वाभिमान एसोसिएशन के द्वारा सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। 150 प्रजापति समाज के छात्र व छात्राओं को प्रशस्ति पत्र व मेडल देकर किया गया सम्मानित। सौ बेडेड क्षय रोग सह सामान्य चिकित्सालय के अंतर्गत कार्य करने वाले संविदा कर्मियों को 14 जुलाई को किया गया कार्यमुक्त। स्टाफ नर्स एवं कर्मियों ने टीबी अस्पताल पर किया धरना प्रदर्शन, फिर से कार्य पर रखने की मांग। पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर्स समिति के द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। सेवानिवृत्त कर्मचारी जटाशंकर मिश्रा को अंगवस्त्र व गीता देकर किया गया सम्मानित। और 25 अगस्त को महानगर में गोरखनाथ स्थित झूलेलाल मंदिर से निकलेगा भगवान झूलेलाल का 71वां शोभा यात्रा। 1,000 से ज्यादा लोग होंगे शामिल, झूलेलाल मंदिर के पुजारी ने दी जानकारी।
अब मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।